क्या डॉन 3 में शाहरुख को रिप्लेस करेंगे रणवीर सिंह? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्रिड स्टूडियोस में। शाहरुख खान के फैंस के लिए काफी शॉकिंग न्यूज है। इस खबर को सुनकर शायद शाहरुख खान के फैंस काफी नाराज हो जाएं। यह खबर शाहरुख खान की फिल्म डॉन के सीक्वल को लेकर आई है। खबर है कि शाहरुख खान अपने हिट फ्रेंचाइज डॉन 3 से भी बाहर हो चुके हैं। निर्माता शाहरुख खान ने रिप्लेसिंग के तौर पर रणवीर सिंह के नाम पर विचार कर रहे हैं। मुंबई मिरर की ताजा खबरों की माने तो शाहरुख खान ने डॉन 3 में काम करने से इनकार कर दिया है, जिस कारण निर्माता रणवीर सिंह से बात की जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार किंग खान ने डॉन 3 ना करने का फैसला किया है, जिसके स्क्रिप्ट पर अभी भी काम चल रहा है। किंग खान की ना सुनने के बाद निर्माताओं ने रणवीर सिंह से बात की है, जो किंग खान की जगह डॉन 3 में नजर आ सकते हैं। रिपोर्ट में इस बात पर पक्की मुहर नहीं लगाई है कि रणवीर सिंह डॉन 3 साइन कर चुके हैं या करेंगे। फिल्म को लेकर रणवीर और प्रोडक्शन हाउस चर्चा कर रही है। हालांकि बात लगभग पक्की ही मानी जा रही है, क्योंकि रणवीर सिंह ने जोया अख्तर के साथ दिल धड़कने दो और गली बॉय जैसी फिल्म की है, जो बॉक्स ऑफिस पर काफी सफल रही है। इसके साथ साथ दोनों काफी अच्छा रिश्ता साझा करते हैं। ऐसे में माना जाता है कि एक्सेल एंटरटेनमेंट जल्द ही डॉन 3 के लिए रणवीर सिंह को साइन कर सकते हैं। आपको बता दें कि शाहरुख खान पिछले साल रिलीज हुए फिल्म जीरो की असफलता के बाद से ही अपने अगले प्रोजेक्ट को लेकर काफी सिलेक्टिव हो चुके हैं। इसी के चलते किंग खान ने राकेश शर्मा की बायोपिक मूवी से भी हाथ खींच लिए हैं। अब डॉन 3 में शाहरुख खान का ना होना फैंस के लिए काफी झटका देने वाली खबर हो सकती है। हालांकि अब भी इस खबर को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। अब ये देखना काफी मजेदार होगा कि रणवीर सिंह इस फिल्म में अपनी कैसी पेशी देते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए बॉलीग्रिड स्टूडियोज के साथ।